दोस्तों बारिश के मौसम में पकोड़े खाने का किसका मन नहीं करता, बस चाय और पकोड़े मिल जाएं तो मौसम का मजा ही आ जाए। तो आज मैं आपके साथ में इंस्टेंट आलू और प्याज के पकोड़े की रेसिपी शेयर करूंगी। ये जो पकोड़े हैं ये एकदम क्रिस्पी बनेंगे, बिल्कुल भी तेल नहीं होगा इनमें और आप देख सकते हैं एकदम फूले फूले बनेंगे। तो चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल कुकिंग में। तो ये देखिए मैंने 3 प्याज लिए हैं और जिन्हें मैंने छील लिया था और अब मैं इसके स्लाइसेस कट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो इक्वल साइज के स्लाइसेस कट करने हैं हमें। तो ये तीनों प्याज मैंने कट कर लिए हैं और अब मैं इसी तरह से आलू कट कर रही हूँ। तो ये देखिए, कोशिश कीजिएगा कि सभी की थिकनेस जो है वो बराबर हो और ज़्यादा मोटे भी ये स्लाइसेस कट ना कीजिएगा, पतले पतले स्लाइसेस कट करने हैं कि जब हम पकोड़े तलें तो ईजिली ये आलू पकने में आ जाए। तो ये आलू भी हमने कट कर लिए और अभी इन्हें हम पानी में भिगो करके रखेंगे। इसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ पर लिया है बेसन। तो ये लगभग 250 ग्राम बेसन है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच करीब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक और इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हींग, 1/2 चम्मच करीब गरम मसाला, करीब 1 चम्मच अजवाइन, इस तरह से मसल करके। और इसके बाद अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1 चम्मच चाट मसाला। बहुत बढ़िया टेस्ट आता है बेसन की पकौड़ियों में चाट मसाले का, तो ज़रूर डालिएगा। तो अजवाइन, हींग और चाट मसाला तीनों चीज़ें डाल दीजिए, उसके बाद में देखिएगा आप बेसन की पकौड़ी कितनी टेस्टी लगती है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका घोल तैयार करेंगे। एक साथ पूरा पानी डालने से क्या होता है कि ये जो घोल हम तैयार कर रहे हैं इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं, तो पानी पहले थोड़ा थोड़ा मिक्स कीजिए। तो ये देखिए घोल कैसा चाहिए ये मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। घोल हमें गाढ़ा ही चाहिएगा थोड़ा इसके लिए। तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैं ये घोल तैयार कर रही हूँ। तो इस तरह का घोल चाहिएगा हमें, ये देखिए। बस ये लीजिए, घोल हमारा तैयार है। तेल मैंने ऑलरेडी गर्म होने रख दिया था कढ़ाई में और ये जो आलू है इन्हें मैंने पानी में डाल दिया था, तो पानी में से अब मैंने इन्हें निकाल लिया है और टिश्यू पेपर पर रख दिया है, जिससे एक्स्ट्रा जो पानी होगा वो इसका निकल जाएगा। जब बेसन के घोल में हम ये आलू डालेंगे ना तो बेसन का घोल आलू पर अच्छे से लिपट जाएगा और बहुत ही टेस्टी पकौड़ी बनेंगी। तो अब हम एक एक स्लाइस उठाएंगे, इस तरह से बेसन के घोल में डालेंगे और इस तरह से तेल में छोड़ देंगे। जितने पकोड़े कढ़ाई में एक बार में इजीली आ जाए उतने पकोड़े हम डाल देंगे, या फिर जितने आप इजीली हैंडल कर सकते हैं उतने पकोड़े डाल दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं प्लीज़ ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि आप पकौड़ों को पलट रही हूँ, तो बस इसी तरह से उलटते पलटते हुए अच्छा ब्राउन कलर आने तक हम इन्हें तल लेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपके साथ में एक टिप और शेयर करना चाहूँगी, वो ये कि जब भी आप पकौड़े तलें ना तेल मीडियम गर्म रखें, ना ही तो कम गर्म रखें और ना ही ज़्यादा गर्म रखें। ज़्यादा गर्म रखेंगे तो पकौड़े जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और अगर तेल कम गर्म होगा तो पकौड़ों में तेल भरेगा। तो मीडियम गर्म तेल पर आप ये पकौड़े तलिए, बहुत बढ़िया पकौड़े बनेंगे। देखिए आलू के पकौड़े हमारे तैयार हैं, अब हम सेम प्रोसेस से प्याज के पकौड़े तलेंगे। तो ये देखिए प्याज के पकौड़े भी अब हम तेल में डाल देते हैं। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितने बढ़िया पकौड़े बनने में आ रहे हैं, एकदम फूले फूले, और यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार पकौड़े बनते हैं ये, जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए प्याज के पकौड़े भी मैंने तलने के लिए डाल दिए हैं। तो दोस्तों इसी तरह की आसान और टेस्टी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर हैं, आप प्लीज़ उन सभी रेसिपीज़ को देखिए, सभी आपको बहुत पसंद आएंगी। और अब ये देखिए इन पकौड़ों को भी हम पलट देते हैं। तो दोस्तों कुछ चीज़ें आप ध्यान रखेंगे ना तो आप भी बहुत बढ़िया पकौड़े घर पर बना लेंगे। सबसे पहली बात तो यही है कि जब पकौड़े तलें तो तेल मीडियम गर्म हो, ना ही तो ठंडा हो तेल और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हो। जब आप पकौड़े कढ़ाई में डालें ना तो तेल मीडियम गर्म हो, लेकिन जब हल्के से फ्राई हो जाए उसके बाद में आप फ्लेम को लो कर दीजिए। लो फ्लेम पर पकौड़े तलिए तो एकदम क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं। और ये देखिए प्याज के पकौड़े भी हमारे बन करके तैयार हैं। तो जितने भी टिप्स और ट्रिक्स मैंने इस वीडियो में दिए उन सभी को फॉलो करके आप पकौड़े बनाइए, बहुत ही मज़ेदार पकौड़े बनेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू।